हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवर मार्बल द कंटेस्ट ऑफ चैंपियन वॉल्यूम टू कॉमिक सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पर गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने इस कॉमिक सीरीज के पहले एपिसोड को नहीं देखा है वो देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो गाइस, बिना कुछ समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सेंट्री को और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड को किसी अननोन प्लेस में। तो गाइस, जिन्हें नहीं पता वॉइड कौन है उनके लिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। गाइस, वॉइड सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही बुरा और डिस्ट्रक्टिव है, और जब वो सेंट्री के दिमाग में हावी हो जाता है तब सेंट्री तबाही मचाने लगता है। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। वहाँ सेंट्री वॉइड से पूछता है कि वो कहाँ है। इस पर वॉइड उसे बताता है कि उसे फ्यूचर के पनिशर ने मार दिया था और वो दोनों हेल में हैं। पर तभी उस जगह में वेनम का फेस दिखाया जाता है और ये देखकर सेंट्री वॉइड से कहता है, हम हेल में नहीं, हम वेनम सिम्बायोट के अंदर हैं। तो गाइस, यहाँ दरअसल हुआ ये कि जब फ्यूचर के पनिशर ने एडी ब्रॉक को मारा तो वहाँ उसका सिम्बायोट उस जगह गिर गया था, और जैसा कि फ्यूचर के पनिशर ने ये बताया था कि उसने पहले ही वहाँ सेंट्री को मारा था और उसके एसेस वहाँ पड़े हुए थे, तो वेनम सिम्बायोट वहाँ सेंट्री के एसेस के साथ मिलकर एक अलग तरह के वेनम्स में बदल गए, और इसीलिए हम सेंट्री और वॉइड को वेनम के अंदर देख सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बैटल वर्ल्ड जहाँ दी अल्टीमेट्स उन वेनम के साथ लड़े होते हैं, और वहाँ सुपर हीरोज को भी इनके साथ लड़कर ये एहसास होता है कि इन वेनम्स की खूबी सेंट्री जैसी है। और ये वेनम्स यहाँ तक भी नहीं रुकते, वो सीधे मिस्ट्रियो के कैसल के अंदर घुस जाते हैं और उसे जकड़ लेते हैं, और वहीं कैसल के अंदर बने हुए जेल्स में लड़ाई के कारण अर्थक्वेक होने लगता है, और इससे वहाँ फंसे हुए सभी कंटेस्टेंट्स घबरा जाते हैं। पर नाइट ट्रेशर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, और वो अपने सूट में लगा हुआ टेक्नोलॉजी से वहाँ उस कैसल के सिक्योरिटी सिस्टम में घुस जाता है, और वो देखते ही देखते सभी कंटेस्टेंट्स के सेल खोल देता है, और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, और वो सभी उस कमरे के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ सभी कंटेस्टेंट्स का हथियार रखा होता है। और जब वो सभी उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं फ्यूचर के पनिशर को अपने ब्लास्टर गन से उन सभी का इंतजार करते हुए। वहाँ फ्यूचर का पनिशर अपना ब्लास्टर गन सभी कंटेस्टेंट्स के ऊपर टांग देता है, और वो ब्रिटिश पनिशर से कहता है, तुम्हें पनिशर हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना कि इनका। इस पर ब्रिटिश पनिशर उससे कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब फ्यूचर का पनिशर उसे अपने गन्स ले लेने को कहता है, और तब ब्रिटिश पनिशर फ्यूचर के पनिशर की ओर बढ़ता है और अचानक उसे एक पंच मारकर ढेर कर देता है, और तब सभी कंटेस्टेंट्स अपने हथियार उठा लेते हैं, और नाइट ट्रेसर फ्यूचर के पनिशर के ब्लास्टर गन को लेकर उस कमरे के छत में छेद करके वहाँ से निकलने का रास्ता बना देता है, और तब सभी कंटेस्टेंट्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और तब उनकी मुलाकात दी अल्टीमेट से होती है, और वो सभी दी अल्टीमेट्स के साथ मिलकर इन वेनम से लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, और तभी मैडम हाइड्रा अपने पावर्स का यूज करके उन सभी वेनम्स के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और वहीं मिस्ट्रियो भी आइस स्फीयर का यूज करके इन वेनम्स के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। और तब मैडम हाइड्रा का सर आइस स्फीयर से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण उसका सर वहीं फट जाता है। उसके बाद ब्लू मार्बल को अपने इनहेंस सेंसेस से मिस्ट्रियो आइस स्फीयर का पता लगता है, और वो वहीं से सीधा मिस्ट्रियो के कैसल में घुस जाता है, और वो मिस्ट्रियो को एक पंच मारकर आइस स्फीयर छीन लेता है, और तब ब्लू मार्बल आइस स्फीयर के लिमिटलेस पावर को फील करता है, और तभी मिस्ट्रियो ब्लू मार्बल को अपनी बातों से बहकाने की कोशिश करता है, और जब ब्लू मार्बल आइस स्फीयर का यूज करने ही वाला होता है तभी मिस्ट्रियो उसे आइस स्फीयर छीन कर उसे और उसके बाकी साथियों को वापस से अर्थ में टेलीपोर्ट कर देता है। पर वो व्हाइट फोर्स को वापस नहीं भेजता, उसकी जगह वो नाइट ट्रेसर को भेज देता है। फिर अगले सीन में हमें प्राइम मार्बल यूनिवर्स के अर्थ में ट्राइस्केलन को दिखाया जाता है जहाँ दी अल्टीमेट, मिस्ट्रियो, बैटल वर्ल्ड इन सभी चीज़ों को भूल चुके होते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो इन दिनों कहाँ थे और क्या कर रहे थे। वो इन्हीं कन्फ्यूजन्स के बीच नाइट ट्रेसर को सब कुछ याद रहता है, और वो उन्हें बताता है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। फिर वापस हमें बैटल वर्ल्ड में मिस्ट्रियो का कसल दिखाया जाता है जहाँ मिस्ट्रियो सभी वेनम्स को काबू करके उनसे अपना काम करवा रहा होता है, और तभी ओरिजन उसे पूछता है कि उसने व्हाइट फॉक्स की जगह नाइट ट्रेसर को क्यों भेज दिया। इस पर मिस्ट्रियो उसे बताता है कि व्हाइट फॉक्स पहले से उसके लिए एक मुसीबत थी और इसलिए वो उसे यहाँ रखा है। प्लस वो ये भी कहता है कि अब यहाँ और भी बड़ा कंटेस्ट होगा और यहाँ और नए कंटेस्टेंट्स इस खेल को खेलेंगे। फिर आखिर में हमें व्हाइट फॉक्स के साथ बाकी कंटेस्टेंट्स को बैटल वॉल में भटकते हुए दिखाया जाता है। सो गाइस, बस इतना ही। यहीं पर मार्बल द कंटेस्ट ऑफ चैंपियन वॉल्यूम 2 कॉमिक सीरीज का दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवर को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, इस कॉमिक सीरीज के पहले एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और मार्बल द कंटेस्ट ऑफ चैंपियन वॉल्यूम 1 कॉमिक सीरीज के एपिसोड देखने के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट देखें। गुड बाय।